गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विक्टोरिया डेनियल आप लोगों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। जो पुराने बच्चे हैं और जो नए बच्चे, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, मैं आप लोगों को हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। आशा करती हूँ आप लोग सभी बुक खरीद लिए होंगे और आपने देखा होगा कि आपकी पुस्तक में विषय सूची में सबसे पहले हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास दिया है, उसके बाद हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास है, उसके बाद गद्य से संबंधित पाठ हैं, गद्य के पाठ हैं, फिर काव्य के पाठ हैं, उसके बाद कथा साहित्य है जिसमें कहानियां हैं, और फिर उसके बाद नाटक है, उसके बाद कुछ बुक में खंड काव्य भी दिया है। बच्चों, इसका हम लोग अध्ययन 12th में करेंगे, वो हमारे कोर्स से हट गया है 11th क्लास से। और उसके बाद बच्चों संस्कृत के कुछ पाठ हैं, उसके बाद व्याकरण है। और बच्चों, हम एक साथ चूंकि आप सभी सेक्शंस का, चाहे वो B1 हो, B2 हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, चाहे आर्ट्स के बच्चे हो, सभी का एक साथ अध्ययन इस समय हो चल रहा है ऑनलाइन, इसलिए बच्चों हम जो चैप्टर सेम है उसको तो हम एक साथ आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उन लोगों में कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा है और व्याकरण थोड़ा सा उन लोगों का फर्क है। तो बच्चों, उन लोगों, आप लोगों का जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उन लोगों का हम अलग से वीडियो भेजेंगे। वैसे जितनी भी पढ़ाई होगी वो आपकी, आप सभी की एक सी होगी, लेकिन कुछ जो है चैप्टर जो एक्स्ट्रा है, वो फर्क जो है वो हम अलग से हम बता देंगे, वो आर्ट्स वालों के लिए अलग रहेगा। तो आप जितने भी हिंदी के वीडियो आएंगे वो चारों सेक्शन के बच्चे उसको, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग गद्य साहित्य में जो पहला चैप्टर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इनकी रचना जो है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती, ये पहला आपकी बुक में पाठ है। पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, उन्होंने साहित्य में क्या क्या योगदान दिया, वे किस युग के कवि कहलाते हैं, और उनकी क्या क्या रचनाएं हैं, और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी, उन्होंने किन किन शैलियों का प्रयोग किया, मतलब कि क्या क्या उनकी रचनाएं हैं, वो सब का हम लोग विस्तार से सबसे पहले जानेंगे। क्योंकि बच्चों आपके एग्जाम में सबसे पहले साहित्यिक परिचय पूछा जाता है कवि के बारे में, तो हम जब 10th तक, 9th और 10th में बच्चों हम लोगों ने केवल जीवन परिचय हमसे पूछा जाता था, लेकिन इसमें जो है 11th और 12th क्लास में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, तो हम लोग जो जीवन परिचय है उसको बहुत शॉर्ट में उसको लिखेंगे और साहित्यिक परिचय को थोड़ा विस्तार में। तो हम लोग सबसे पहले इनकी जीवनी को पहले हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग क्या करें, ये आप सब बुक को खोल लीजिए ताकि जब हम इसका रीडिंग करते हुए आपको समझाते हैं तो आप लोग इसको अच्छे से जान लीजिए। और इसको बच्चों 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, तो और 5 नंबर का रहता है, इसलिए आप उसी हिसाब से एकदम गिन के 80 शब्द ना आप लोग वो कीजिएगा, थोड़ा सा और ज्यादा लिखिएगा, ताकि जब, क्योंकि आप जब एग्जाम में लिखते हैं तो कुछ बातें आप भूल भी जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप 80 केवल शब्द में लिखें, तैयार करें और फिर एग्जाम में जाए तो वो 60 ही शब्द का याद रहे, तो इसलिए आप लोग थोड़ा क्या करेंगे, ज्यादा ही अपनी कॉपी में लिखेंगे उनके बारे में डिटेल में, और ताकि जो है यदि कुछ बातें भूल भी जाती हैं उस समय तो वो
फिर 80 आपके शब्द हो जाएं। तो कम से कम 1.5 पेज का बच्चों ये हम लोग क्या करेंगे, इसका साहित्यिक परिचय तैयार करेंगे। तो पहले हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनी को पढ़ेंगे, फिर उनकी रचना का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग अपनी बुक को खोल लें। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जीवन परिचय, युग प्रवर्तक साहित्यकार। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है वो क्या है, युग प्रवर्तक हैं। इन्होंने भारतेंदु युग की स्थापना की। एवं असाधारण प्रतिभा संपन्न भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में यानी 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। देखिए इनके पापा क्या थे, कवि थे, ब्रज भाषा के प्रसिद्ध ये कवि थे। बाल्यकाल में मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही ये माता पिता के सुख से वंचित हो गए, यानी कि उन्हें माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हो सका। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां इन्होंने हिंदी उर्दू बांग्ला एवं अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का अध्ययन किया। इसके पश्चात इन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लग सका। बच्चों ध्यान दीजिएगा, रुचि में चा में छोटी एक मात्रा होती है, अक्सर बच्चे इसको गलती करते हैं, इसलिए आप लोगों को पहले से बता दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप इन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दिया। काव्य रचना के अतिरिक्त इनकी रुचि यात्राओं में भी थी, यानी ये पर्यटन करना पसंद करते थे। अवकाश के समय में ये विभिन्न स्थानों की यात्राएं किया करते थे। यहाँ पे बच्चों साइड में देखिए, शॉर्ट में इनके बारे में लिखा हुआ है। तो आप लोग जो हैं, जब इनका जीवन परिचय लिखेंगे, यानी जो आपका क्वेश्चन रहेगा साहित्यिक परिचय लिखने के लिए, तो आप जो है उसके अंदर सबसे पहले जो है जीवन परिचय शॉर्ट में दीजिएगा। शॉर्ट में यानी कि ये जो आपके इसमें ब्रैकेट में करके बन जो है शॉर्ट में लिख दिया है कि नाम इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र है, पिता का नाम बाबू गोपाल जन गिरिधर दास है, जन्म सन 1850 ईस्वी है, जन्म स्थान काशी है, शिक्षा स्वाध्याय के माध्यम से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इसमें आप स्वाध्याय के माध्यम से विभिन्न भाषा की जगह आप भाषाओं का नाम लिख दीजिएगा कि हिंदी उर्दू बांग्ला एवं अंग्रेजी भाषा का उन्होंने क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया। और फिर उसके बाद संपादन में आप ये इनकी रचना जो उन्होंने संपादित की है, कवि वचन सुधा, ये सब पत्रिका, इसका इन्होंने संपादन किया, तो इसको आप लिखिएगा। फिर लेखन विधा, उनको मैंने उन्होंने किन विधाओं में रचना की, विधा यानी कि कविता नाटक एकांकी निबंध उपन्यास पत्र कारिता। फिर भाषा शैली है, इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया, तो ब्रज भाषा और खड़ी एवं खड़ी बोली है। फिर शैली क्या है, मुक्तक है, यानी कि वो जो भी पद उन्होंने लिखा वो क्या था, मुक्तक था, वो दूसरे से उसका क्या था, वो अपने में पूर्ण उनके पद हुआ करते थे, जैसे बिहारी और कबीर के भी हैं। रचना इनकी नील देवी है, प्रेम जोगनी है, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कपूर मंजली, सुलोचना। फिर निधन इनका सन 1885 ईस्वी में। और साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए बच्चों, ये हमने इसलिए आप लोगों को ऐसे बताया कि आप लोगों को जो 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा साहित्यिक परिचय, उसमें आप जीवन परिचय शॉर्ट में दीजिएगा,
ताकि शब्द जो है सीमा जो है उसके अंदर ही आप अपनी सब बात को इनके बता सकें। इसलिए आप ये शॉर्ट में पहले लिखिएगा और फिर उसके बाद उनका साहित्य में क्या स्थान है, फिर उनकी जो रचनाएं हैं उसको लिखेंगे, तो उससे आपका ये जो 80 शब्द में आपको आंसर देना वो सब मैटर भी उसके अंदर आ जाएगा और 80 शब्द भी पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप अपनी कॉपी में सबसे पहले इनका शॉर्ट में परिचय लिखिएगा और उसके बाद थोड़ा सा इधर से कि उन्होंने क्या क्या साहित्य में योगदान दिया, उनकी कौन उन्होंने किस किस शैली का प्रयोग किया, इसका आप शॉर्ट में वर्णन कीजिएगा। आगे देखते हैं। भारतेंदु जी बड़े ही उदार एवं दानी पुरुष थे। हाँ, इनकी विशेषता देखिए बताई जा रही है कि वो कैसे थे, उदार यानी उनका हृदय दूसरों के प्रति क्या था, उदार था। वो बड़े खुले हृदय के थे, वो दान देने में कभी संकोच नहीं किया करते थे। अपनी उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा सोचनीय हो गई, यानी ये क्या हो गए आर्थिक रूप से, यानी कि धन उनके पास धन की कमी होने लगी और ये ऋणग्रस्त हो गए। ऋणग्रस्त यानी कर्ज कर्जदार हो गए। ऋणग्रस्तता के समय ही ये क्षय रोग के भी शिकार हो गए, यानी धनाभाव के कारण वो रोगी हो गए। इन्होंने इस रोग से मुक्त होने का हर संभव उपाय किया किंतु मुक्त नहीं हो सके। सन 1885 यानी 1885 ईस्वी में इसी रोग के कारण मात्र 35 वर्ष की यानी 35 वर्ष की अल्पायु में ही भारतेंदु जी का स्वर्गवास हो गया। देखिए केवल 35 साल के ये इनका जीवन था और उतने ही कम आयु में ही इन्होंने बहुत कुछ समाज को ये और गद्य साहित्य और पद साहित्य को इन्होंने अपना योगदान दिया है। अब आगे हम लोग देखेंगे साहित्यिक परिचय। भारतेंदु जी बाल्यावस्था से काव्य रचनाएं करने लगे। अपनी काव्य रचनाओं में ये ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। हम सब जानते हैं अभी हम लोग ने पढ़ा कि ब्रज भाषा और खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है, तो काव्य में इन्होंने किसका प्रयोग किया, ब्रज भाषा का। कुछ ही समय के पश्चात इनका ध्यान हिंदी गद्य की ओर आकृष्ट हुआ, यानी कि पहले इन्होंने काव्य रचनाएं की बाद में गद्य। उस समय हिंदी गद्य की कोई निश्चित भाषा नहीं थी, विभिन्न रचनाकार गद्य के विभिन्न रूपों को अपनाए हुए थे। भारतेंदु जी का ध्यान इस अभाव की ओर आकृष्ट हुआ। इस समय बांग्ला गद्य साहित्य विकसित अवस्था में था। भारतेंदु जी ने बांग्ला नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया और उसमें सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके भाषा के नवीन रूप का बीजारोपण किया, यानी कि वहीं से हिंदी की का प्रारंभ हुआ। सन 1868 यानी 1868 ईस्वी में भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। इनके 5 वर्ष उपरांत सन 1873 ईस्वी में यानी 1873 ईस्वी में इन्होंने एक दूसरी पत्रिका हरिश्चंद मैगजीन का संपादन किया। बच्चों इसको ध्यान दीजिएगा, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद मैगजीन। पूछा जाता है कि ये किस इसकी पत्रिका का संपादन किसने किया, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद जी ने किया। ये आपके जो गद्य साहित्य के इतिहास वाले क्वेश्चन आते हैं 5, उसमें पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है बच्चों। 8 अंकों के बाद इस पत्रिका का नाम हरिश्चंद चंद्रिका हो गया, मतलब नाम इसका क्या है, बदल गया। बस 8 अंक जो है इसमें हरिश्चंद मैगजीन के नाम से छपे, फिर उसके बाद उसका चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी पत्रिका में दृष्टिगोचर हुआ, यानी हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप यानी उसमें जो बदलाव हुए, जो
उसका रूप जो बदल कर सामने आया वो इस पत्रिका में दिखाई दिया। वस्तुतः हिंदी गद्य को नया रूप प्रदान करने का श्रेय इसी पत्रिका को दिया जाता है। भारतेंदु जी ने नाटक, निबंध तथा यात्रा वृत्त आदि विभिन्न विधाओं में गद्य रचना की। इनके समकालीन सभी लेखक इन्हें अपना आदर्श मानते हैं, यानी कि उनके साथ वाले उस युग के, उस समय के वो जितने भी लेखक थे इनको अपना आदर्श यानी गुरु मानते थे उन, और इनके दिशा निर्देश प्राप्त करते थे। हाँ, जो वो कहते थे उसको वो स्वीकार करते थे, उस पर चलते थे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्कालीन पत्रकारों ने सन 1880 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। तो ये के भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किए गए। कृतियां अल्पायु में ही भारतेंदु जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं का अप्रतिम कोष प्रदान किया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नाटक, पहला क्या है विधा, नाटक। भारतेंदु जी ने मौलिक एवं अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की। मौलिक यानी कि जो उन्होंने स्वयं अपने जो अंदर भावना जो जागृत हुई उसको, अपने मन के विचार उद्गार को उन्होंने क्या है रचनाबद्ध किया। और अनुदित क्या होता है, जो किसी की रचना का अनुवाद होता है उसको अनुदित बोलते हैं। देखिए मौलिक उन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी है, सत्य, हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा ना भवती, विश्वस्य विषम औषधम, सती प्रताप तथा प्रेम जोगनी। इसमें बच्चों भारत दुर्दशा और वैदिकी हिंसा, हिंसा ना भवती अक्सर पूछा जाता है कि ये किसकी रचना है, तो ये जितनी भी रचनाएं बच्चों ध्यान से उसको आप पढ़िए, उसको याद कर लीजिए, क्योंकि साहित्य में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुदित देखिए कौन कौन सी है, जो यानी जो अनुवाद की गई है किसी और की रचना को, इन्होंने क्या किया है हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। मुद्राक्षस है, रत्नावली है, भारत जननी है, विद्या सुंदर है, पाखंड विडंबन है, दुर्लभ बंधु है, कपूर मंजरी है और धनंजय विजय है। फिर उसके बाद इन्होंने निबंध संग्रह किया है। निबंध जो लिखे हैं वो देखिए सुलोचना है, परिहास वंचक है, फिर मंदालसा है, दिल्ली दरबार दर्पण है, लीलावती है, फिर इतिहास है इनका, कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति, फिर यात्रा वृतांत है, सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा। अक्सर पूछा जाता है सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है, या देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरयू पार की यात्रा किस विधा की रचना है, तो आप क्या लिखेंगे, यात्रा वृतांत है, तो मालूम होना चाहिए। जीवनियां, सूरदास की जीवनी, जयदेव और महात्मा मोहम्मद आदि, ये इन्होंने जीवनियां लिखी हैं। अब नेक्स्ट है भाषा शैली। हाँ, इनकी कौन कौन सी भाषा है जिस पर, जिसका प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। देखिए भारतेंदु जी ने पूर्व हिंदी भाषा का स्वरूप स्थिर किया, मतलब पहले लोग जो रचनाएं करते थे वो परिष्कृत रूप में नहीं थी, इन्होंने भाषा को स्थिर रूप प्रदान किया है। भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा को स्थायित्व प्रदान किया, इन्होंने इसे जन सामान्य की भाषा बनाने के लिए इसमें प्रचलित तद्भव एवं लोक भाषा के शब्दों का यथासंभव प्रयोग किया। दो उर्दू फारसी के प्रचलित शब्दों को भी इनमें स्थान दिया गया। लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग करके इन्होंने भाषा के प्रति जन सामान्य में आकर्षण उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार भारतेंदु जी के प्रयासों से हिंदी भाषा सरल, सुबोध एवं लोकप्रिय
होती चली गई। यानी कि ये सब सुधार इन्होंने हिंदी भाषा में किया और उसको सुदृढ़ मजबूत बनाने का श्रेय इन्हें जाता है। अब है शैली। भारतेंदु जी की गद्य शैली व्यवस्थित एवं सजीव है। इनकी गद्य शैली पर आधारित वाक्य हृदय की अनुभूतियों से परिपूर्ण लगते हैं। इन उनमें जटिलता के स्थान पर प्रवाह देखने को मिलता है। भारतेंदु जी ने अग्रलिखित शैलियों का उपयोग किया। वर्णनात्मक शैली। अपने वर्णन प्रधान निबंधों एवं इतिहास ग्रंथों में भारतेंदु जी ने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। वाक्यों, लोकोक्तियों एवं मुहावरों से युक्त इनकी वर्णनात्मक शैली की अपनी अलग मौलिकता है। बच्चों देखिए, इसको जब आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो इसमें आप बस हेडिंग डाल दीजिएगा कि इन्होंने किन किन शैलियों का प्रयोग किया, और बस थोड़ा बहुत उसमें एक लाइन लिखने की आवश्यकता है कि जैसे वर्णनात्मक शैली तो उसमें उन्होंने क्या किया। इसमें दो दो लाइन है ना, ऐसे बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा आपका हो जाएगा, तो इसको शॉर्ट आप करके अपनी कॉपी में लिखेगा। फिर विवरणात्मक शैली। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी यात्रा संस्मरणों में विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। उनकी यह शैली कवित्वपूर्ण भाषा से मंडित है, कवित्वपूर्ण आभा से मंडित है। विचारात्मक शैली फिर वैष्णववत्ता और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती आदि निबंधों में भारतेंदु जी की विवरणात्मक शैली का परिचय मिलता है। ये बच्चों ध्यान दीजिएगा कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती, ये इनकी रचना आपके कोर्स में है, इसलिए आप ये स्मरण रखिएगा। ये क्या है, निबंध है और इसमें विचारात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। क्योंकि कभी कभी जब उससे संबंधित क्वेश्चन आपके बुक उसमें आते हैं परीक्षा में, तो आपको बताना पड़ता है कि भारत वर्षोन्नति क्या है, कौन सी विधा में लिखी गई है, तो निबंध विधा में लिखी गई है। कभी कभी पूछता है कि इसमें किस शैली का प्रयोग किया गया है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये विवरणात्मक शैली है। इस शैली पर आधारित रचनाओं में इनके विचारों की गंभीरता एवं विश्लेषण शक्ति के दर्शन होते हैं। भावात्मक शैली। भारतेंदु जी द्वारा रचित जीवनी साहित्य एवं कई नाटकों में भावात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है, जिसमें इनके भाव पक्ष की प्रबलता दृष्टिगोचर होती है। व्यंग्यात्मक शैली। भारतेंदु जी द्वारा रचित निबंधों, नाटकों आदि में यत्र तत्र यानी यहां वहां व्यंग्यात्मक शैली के भी दर्शन होते हैं। हास्य शैली। भारतेंदु जी ने हास्य शैली में भी रचनाएं की हैं। हास्य शैली में लिखी गई इनकी रचनाओं में अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती उल्लेखनीय है। इनकी निबंधों में यत्र तत्र हास्य शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। अब जैसे बच्चों आप लोग ने यह हास्य शैली हेडिंग डाली ना, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें इन इन रचनाओं में हास्य शैली का इन्होंने वर्णन किया है, तो ये दोनों रचना आप उसमें डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शोध शैली, भाषण शैली, स्रोत शैली, प्रदर्शन शैली तथा एवं कथा शैली आदि में भी निबंधों की रचना की है। अब देखा जाए इनका हिंदी साहित्य में स्थान। भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। साहित्य के क्षेत्र में उनकी अमूल्य सेवाओं के कारण ही उन्हें आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक और युग निर्माता साहित्यकार एवं आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक कहा जाता है। भारतीय साहित्य में उन्हें युग दृष्टा, युग स्रष्टा, युग जागरण के दूत एवं एक युग पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। ये तो बच्चों रहा इनका भारतेंदु जी का जीवन परिचय तथा साहित्यिक योगदान जो है। तो बच्चों आपके बुक में थोड़ा फर्क भी हो सकता है, क्योंकि पब्लिशर क्या है, फर्क फर्क है। किसी बच्चे ने
राजीव पब्लिकेशन का लिया है, किसी ने विद्या पब्लिकेशन लिया है, किसी ने एचएम की बुक ली है, तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैटर बस आगे पीछे करके थोड़ा सा सेंटेंस किसी में पहले है किसी में बाद में है, ऐसे करके थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन जो भी है आप अपनी बुक से उसको शॉर्ट में कम से कम 1.5 पेज की का साहित्यिक परिचय इनका आप तैयार कीजिएगा, जीवन परिचय देते हुए जैसे हमने शॉर्ट में आप लोगों को पहले बताया है। तो इसको आप अपनी फेयर कॉपी में तैयार कर लीजिए, शॉर्ट में लिख लीजिए और उसको लर्न भी कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लेखक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप तैयार कर लीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन। थैंक यू।